अखिया माफ हूँ। कैसी लग रही है? अरे भाभी आप ना ये मत खरीदो। लेकिन क्यों? अगर आप ये ड्रेस पहन के गरबा में जाएंगी ना, आपको देख के 5 से 10 लड़के बेहोश हो जाएंगे। एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, गरबा बंद हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रहे नहीं तो आप भी ना बस ऐसे ही तारीफ किए जा रहे हैं। जलाराम बापा ना स्वागत। ठीक है, पैक करवा दीजिए। ये हुई ना बात। तो भाभी ये तीसरी ड्रेस है, 6 और चूज कर लीजिए। मतलब क्या आप चाहती हैं कि कोई और नोटिस करे कि आपने ड्रेस रिपीट की? नहीं नहीं नहीं, हाँ तो वही तो, मैं भी नहीं चाहता हूँ। आप जल्दी से ड्रेस चूज कर लीजिए। लालिया इनको पीछे से वो अच्छी वाली ड्रेस दिखा। सुवाच्य आप तो किसी को भी कुछ भी बेच सकते हो। स्पेशलिस्ट हूँ, लेडी स्पेशलिस्ट, दिल की बात जान लेता हूँ। कुछ नहीं है मामा, ये ऐसे ही मस्का मार रहा है। मेन बात ये है कि नवरात्रि के पास इसका क्या है यार? नेगेटिव तू, थैंक यू, तेरी यही प्रॉब्लम है, तू सारी जिंदगी बस नेगेटिव ही रहेगा। क्यों? तेरा मामा इस शहर का टॉप गरबा सिंगर है कि नहीं? हाँ। तो जब तक मेरी आवाज चलेगी तुम लोगों की एंट्री चलेगी, क्या समझ के रखा है? ये ले। इतना सारा नहीं मामा, सिर्फ 2 ही चाहिए। हाँ, हम 2, हमारे 2, इसको रहने दो। अरे कमीनो, मामा मेरा है और पासे सिर्फ 2। बका तेरा गरबा में जाना वेस्ट है। तो क्या, मामा पूरी दुनिया से लड़की आती है पर इसको एक भी पसंद नहीं आती। मुझे तो नवरात्रि में हर आधे घंटे में प्यार हो जाता है और 1 घंटे में हार्ट ब्रेक। देखो भाई, मुझे सिर्फ गरबा खेलने में इंटरेस्ट है। मामा इसे चेक करवाओ, इसमें कोई यांत्रिक खराबी? कोई यांत्रिक खराबी नहीं है, तू हमेशा इसके पीछे रहता है। तू देखना इस नवरात्रि इसका भी कुछ हो ही जाएगा। हो जाएगा मतलब? हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? क्या मामा अभी? अबे बेटा, जब पहली बार उससे मुलाकात होगी, आंखों के नेटवर्क से कुछ बात होगी, सारी दुनिया रह जाएगी सूखी, लेकिन तेरे सर पे हल्की हल्की बरसात होगी। बाकी सब के सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेंगे, लेकिन वो, सिर्फ वो कलरफुल और ब्राइट दिखेंगे। नब्ज थम जाएगी। होश उड़ जाएंगे, पंछियों की तरह तेरे भी पर निकल आएंगे। पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे, तू उड़ने लगेगा, सपनों की दुनिया से जुड़ने लगेगा, कुछ जादू सा हो जाएगा। जो दोस्त अभी अभी अपने साथ था वो बिल्कुल इसी तरह खो जाएगा। ये तो गया मामा।